राजस्थान सरकार द्वारा कोयला संकट बताकर परसाकोल ब्लॉक की जबरन स्वीकृति हासिल करने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के खिलाफ हसदेव अरण्य के आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रों के माध्यम से राजस्थान में कोयला संकट का हवाला देकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसाकोल ब्लॉक की वन स्वीकृति देने छत्तीसगढ़ सरकार पर दबाव बना रहा है। इसके खिलाफ हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर हरिहरपुर और सालही के आदिवासियों ने विरोध कर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अडानी कंपनी वापस जाओ की आवाज बुलंद की। राजस्थान सरकार अडानी के मुनाफे के लिए काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अडानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। फतेहपुर ग्राम के मुनेश्वर पोर्ते ने बताया कि हम 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने हमारे गांव की फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव, जिसके आधार पर राजस्थान सरकार ने वन स्वीकृति हासिल की है, उसकी जांच के आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम पिछले दशक से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने और हसदेव अरण्य के जंगल जमीन के विनाश के खिलाफ आंदोलनरत हैं, लेकिन फिर भी हमें जबरन उजाड़ने की कोशिश जारी है। हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा रायपुर के लिए गए थे और भूपेश बघेल हमको बोला था कि हम फर्जी ग्राम सभा उसका जांच करवाएंगे। आज तक उन्होंने जांच नहीं करवाया और भूपेश बघेल सरकार और जो गहलोत सरकार ने मिल करके जबरदस्ती अडानी को मतलब खदान खोलने का वो चीज कर रहे हैं। और हम अपने गाँव में कोई भी कीमत में हम खोले खदान नहीं खुलने देंगे। हम लोग का गांव में हम घुसने ही नहीं देंगे अडानी वालों को। अनुमति उनके हाथ में रहेगा, जमीन हमारा रहेगा। हमारे सालही गांव में अडानी कंपनी ने जो यहां फर्जी ग्राम सभा करवाए करके और फर्जी तरीके से करके यहां जबरदस्त अभी हम 300 किलोमीटर पैदल यात्रा रायपुर हम गए और आज फिर हम कहीं कहीं सुनते हैं कि फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और हमारे भूपेश अभी मन एक कंपनी अडानी कंपनी से मिल करके यहाँ खदान खोले बकर रहते हैं। यहाँ कोई घुसेगा कंपनी के कोई कर्मचारी कोई भी हो, हम यहाँ घुसने देंगे, हम डंडा लेकर हम तैयार होकर मारेंगे पूरा महिला पुरुष लेकर छुआ हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाएंगे हम, ग्राम सभा से सहमति कभी नहीं दिए हैं वो बोलते हैं, लेकिन हम कभी नहीं दिए। हम पूरा कागज पत्र हम सारा चीज मुख्यमंत्री के पास हम दिए हैं, मुख्यमंत्री बोले कि हम जाँच करेंगे, आज तक जाँच नहीं हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।